हाय गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। और जब इस लॉकडाउन में हम लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते तो आप ये टेस्टी नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है अंदर से, और आप इसे चाहो तो फ्राई करके बना सकते हो या फिर आप इसे रोस्ट करके तवे पर भी बना सकते हो। ये दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा बहुत ही आसानी से मिल जाता है, और इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक। आप चाहो तो अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और दो हरी मिर्ची को मैंने बारीक काट के लिया है, उसे भी डाल दूँगी। और ढेर सारा हरा धनिया जिसको हम बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसे भी डाल दिया मैंने। उसके बाद में हम कुछ मसाले डाल देंगे। तो एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, इसके साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे एक छोटा चम्मच। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है नमक स्वाद के अनुसार। तो एक छोटा चम्मच हम नमक भी डाल देंगे और इसके साथ ही हम पानी डाल देंगे। तो हमने इसी कटोरी से एक कटोरी चावल का आटा लिया था, तो मैं दो कटोरी इसमें पानी डाल दूँगी। जितना आप आटा ले रहे हो उसका दो गुना हमको पानी डालना है। तो पानी डाल दिया मैंने, अब हम इन सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें एकदम पतला घोल चाहिए इसका, तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, और आप देख सकते हो तो एकदम ये पतला है। आप इसे चम्मच से उठा के इसे गिराओ तो ऐसे गिर रहा है, यानी कि एकदम पतला घोल हमने बना लिया है। तब हम चलेंगे अगले प्रोसेस में। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। गैस ऑन करके कढ़ाई में हम ये घोल डाल देंगे, और इस घोल को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। इसको हमको तब तक पकाना है जब तक कि एकदम ये डो के फॉर्म में ना आ जाए। तो हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे, और आप देख सकते हो ये धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और अभी भी हमें इसके वो लगातार चलाना है। और आप इसे चलाना नहीं छोड़ना, वरना ये अगर कढ़ाई में चिपक जाएगा तो इसका स्वाद एकदम अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अभी इसको पकने में एक दो मिनट और लगेगा। टोटल इसको पकने में 3 से 4 मिनट लग जाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है ये। मैं इसे 1 मिनट और पका लूँगी, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी ये डो के फॉर्म में नहीं आया है। तो हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो बस ये हो चुका है, ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, मतलब ये रेडी हो चुका है। तब हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसको मैंने इसमें निकाल दिया है, और हम 2 मिनट वेट करेंगे ये हल्का सा ठंडा हो जाए कि हम इसको हैंडल कर सकें, तब तक हम इसको छोड़ देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, ये हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसे वड़ा की शेप देंगे। तो इस आप अपने हिसाब से किसी भी शेप में बना सकते हो, पर वड़ा बनाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, इसलिए मैं वड़ा का शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हो एकदम आसानी से ये मैंने बना लिया, और बीच में एक होल कर देंगे, और सेम प्रोसेस से मैं सभी वड़ा को बना करके और रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबको बना लिया है, आप देख सकते हो। तब हम चलेंगे इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। तो मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा एकदम अच्छे से गरम हो गया है, और इसको फ्राई करने के लिए हमें तेल एकदम अच्छा गरम चाहिए। तो एकदम गरम गरम तेल में हम इसको डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चावल हमारा पका ही हुआ है, इसको बस हमको क्रिस्पी ही करना है। और अगर आप तेल में फ्राई नहीं करना चाहते हो तो आप इसको अपम पैन में बना सकते हो, या फिर आप एकदम ज़रा सा तेल में इसको रोस्ट भी कर सकते हो। तो इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और एकदम सुनहरा रंग आने तक पका लेंगे। तो आप इसे बीच बीच में पलटते रहिएगा और अच्छे से पका लीजिए, और 3 से 4 मिनट बाद आप देखोगे तो इसमें एकदम अच्छा सा कलर आ गया है, एकदम सुनहला हो चुका है ये। तो बस ये बनकर के रेडी है, हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आप देख सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है, एकदम क्रिस्पी है और बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ गया है।
तो बस सेम प्रोसेस से हम सभी को बना करके और रेडी कर लेंगे। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये बन करके रेडी हो चुका है। तो इस लॉकडाउन में आप इसे ज़रूर ट्राई करना और ये कितने कम सामान में बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होता है। तो आप इसे बनाना और कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।